कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नवाज खान ने राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली लाखों के अंतराल हार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उस पर कुछ नहीं हुआ और न ही उसकी चर्चा हुई। इस चुनाव में नया भ्रम जाल फैलाकर और गुमराह कर चुनाव जीते हैं। नवाज खान ने कहा है कि वर्ष के अंत तक होने वाले नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का संगठन भूपेश सरकार की उपलब्धियों कार्यों को हर बूथ से लेकर हर गांव तक ले जाया जाएगा और निश्चित ही कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का भ्रम जाल टूट जाएगा और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो बातें जो झूठ बोल करके चुनाव जीता था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, इस पूरे 5 साल में उस पर तो कोई काम किए ही नहीं और ना ही चुनाव में उसकी चर्चा की। इस चुनाव में नया भ्रमजाल फैला करके उन्होंने देश को गुमराह किया, मतदाताओं को गुमराह करने का काम किया और केवल गुमराह करके वो चुनाव जीते हैं। परंतु फिर भी हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में जो जनता का आदेश होता है वो सर्वोपरि है।